हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी स्टिचिंग एंड कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ 38 इंच के ब्लाउज की स्टिचिंग लेकर आई हूं कि अस्तर वाले ब्लाउज की 38 इंच साइज वाले की हम किस तरह सिलाई करते हैं, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी मेरी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करा करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी स्टिचिंग सीखने में और सिलाई करने में थोड़ी आसानी रहे। तो फ्रेंड चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा ब्लाउज है अस्तर वाला, इसका एक पल्ला ये मैंने इस तरह से अस्तर इसका अटैच कर लिया है। एक मैं आपको करके दिखाऊंगी, इसका अस्तर मैंने इस तरह कट कर लिया है, ये देखिए। ठीक है, अब इसको हम इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। सिलाई हम बड़े पैर की कर लेंगे, कच्ची सिलाई, मशीन की सिलाई भी बढ़ा लेंगे और इसको हम इस तरह से अस्तर का अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। इस तरह देखिए, हमने ये अपने अस्तर को अटैच कर लिया। ये फ्रंट वाले पार्ट हैं दोनों और बैक वाला पार्ट, उसको भी मैं अस्तर अटैच कर लूंगी। अभी दिखाती हूँ आपको, मैंने डिजाइन बनाया है, इसकी वीडियो मैं डालूंगी। और अगर आप देखना चाहते हैं इसकी वीडियो, तो इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसकी कटिंग का वीडियो मैंने लाइव इसके ब्लाउज की कटिंग करी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बैक वाला पार्ट है, ये मेरे फ्रंट पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लेटों के नाप डालेंगे। ये देखिए, ये मेरा 38 इंच साइज का ब्लाउज है, तो थोड़े मुझे इसमें प्लेटों का डिस्टेंस ज्यादा रखना होगा। तो ऊपर से हम इस तरह से नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे कि हमारी फोर फिंगर है, उसके नीचे हम यहाँ से लगभग एक निशान ये लगाएंगे, इतनी बड़ी प्लेट डालेंगे। यहाँ पे ये मैंने इस तरह से तिरछा निशान लगाया, उसके नीचे हम दो अंगुल जगह छोड़कर एक निशान ये लगाएंगे और ये हमारी सीधी प्लेट होगी, जो ब्लाउज की मेन प्लेट होती है। उसके बाद यहाँ पर हम एक तिरछी प्लेट डालते हैं इस तरह से कुछ, और एक डालेंगे हम आर्म होल वाली प्लेट। ठीक है, अब ये हमारी प्लेटें पड़ गई हैं। अब हम इसमें एक इस तरह से, आप अगर बिगनर हैं तो मैं उनके लिए ये चीज़ बता रही हूँ, इस तरह हम इसमें राउंड बना के देखेंगे। अगर हमारा राउंड बन रहा है तो इसका मतलब हमारी प्लेटें एकदम फिट आ रही हैं और बॉडी में एकदम फिट होके आएगा ब्लाउज। ठीक है, तो मेरी प्लेटें एकदम इक्वल पड़ी हैं। अब इसी के हम ऊपर हम दूसरा वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे। और इसको इस तरह हथेली से प्रेस करेंगे तो वो जो निशान थे वो मेरे इस ब्लाउज पर आ जाएंगे। तो सारी प्लेटें मेरी एक सार पड़ेगी, देखिए हल्के हल्के निशान आ गए हैं ये। ये देखिए, अब इन प्लेटों को डाल लेंगे हम। सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट डालेंगे, हल्की सी पड़ेगी ये, सिलाई छोटी कर लेंगे। इस वाले ब्लाउज में भी पहले यही प्लेट डालूंगी मैं। उसके बाद ब्लाउज की ये वाली प्लेट जो मैं आधा या पौन इंच के लगभग में डालती हूँ, इसे आप नाप के देख लेंगे, इतनी चौड़ी डालूंगी इसे, इतनी।
प्लेट जब हम डालते हैं तो एकदम से हम ना ही गुलाई देते हैं और ना ही एकदम तिरछी करते हैं, धीरे 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 हम कपड़े पर इक्वल लेके आते हैं और इस तरह से हम सिलाई को उतारते हैं। तो इससे हमारी क्या होता है कि जो ऊपर की साइड में लुप्पी बनती है वो नहीं बनती। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से प्लेट मेरी पड़ी है, यहाँ पर कोई लुप्पी नहीं बन रही है, वो देखने में बहुत अजीब सी लगती है। इसी तरह मैं इसकी सारी प्लेटें डाल लूँगी। ये देखिए मैंने दोनों पार्टों में प्लेट डाली हैं, देखिए मेरी कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पफ लगाया, बट कोई पफ नहीं लगाया है। ये देखिए अब क्या करेंगे, राइट साइड पर हम फोल्डेड वाली पट्टी लगाएंगे। ये अस्तल का कपड़ा लिया है मैंने और इसे हम सीधी साइड पर रखकर उल्टी साइड में फोल्ड कर देते हैं। एक पैर से मार्जिन की सिलाई लगा, ये लगाइए। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई चला देंगे। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई चला दी है। अब ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट पर हम हाई वाली पट्टी लगाएंगे, जो कि हम नीचे वाली साइड से लगाते हैं। इस तरह से उल्टा रखेंगे इसे और यहाँ पर एक सिलाई चलाएंगे। इस तरह सिलाई चलाने के बाद इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे हल्का सा नाखून लगा देंगे और उसके बाद ब्लाउज को हम इस तरह से पलटेंगे और इसको हल्का सा फोल्ड करते हुए एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से रखते हुए बिल्कुल हमें किनारे पे सिलाई को चलाना है। देखिए कुछ इस तरह से फिनिशिंग के साथ चलाएंगे सिलाई को। और इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से और सिलाई चला देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है अब क्या करेंगे, हम अपने आप शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब ये मैंने एक तिरछी पट्टी ली है पाइपिंग के लिए। इस तरह से यहाँ से रखेंगे इसको डबल करते हुए। पाइपिंग लगाने की वीडियो मैंने और भी अपने चैनल पे डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से पट्टी को हल्का सा खींचते जाएंगे। फ्रेंड्स मैं इसमें आपको पूरा ब्लाउज़ बनाना बता रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूला करिए आप, और वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको समझ आएगा कि किस तरह से बनाया गया है। और प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे, ऐसा करने से हमारी पाइपिंग थोड़ी बारीक आएगी। अब यहाँ पर हम इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमको जितनी चौड़ी पाइपिंग रखनी है उतना ही हम कपड़ा बाहर रखेंगे और बाद बाकी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और ये जो हमें यहाँ पर ये देखिए इस तरह फोल्ड किया और यहाँ पर ये जो जगह दिखाई दे रही है हमें जॉइंट वाली, बिल्कुल वहीं पर हम सिलाई चलाएंगे। देखिए इसी तरह मैं दूसरे वाले पार्ट पर भी पाइपिंग लगा लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों पार्ट के मेरे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर के लिए मेरा ये बैक वाला पार्ट है, इसमें भी मेरी रेडी है पूरा, और इसको इस तरह मिलाकर हम इस पर स्टिचिंग चलाएंगे।
मेरा दूसरा भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए मेरा ब्लाउज ये ज्वाइंट हो गया है। अब हम स्लीव्स पर आएंगे। तो ये मेरी स्लीव्स हैं, इसका ये अस्तर है और इस तरह इसको रखकर हम यहाँ पर जो किनारी किनारी है बस इसको दबाएंगे। इसमें इतनी मशीन चलाने के बाद इसको इस तरह से हम टर्न करेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद क्या करें, अब यहाँ पर हम अस्तर पर फिनिशिंग की सिलाई चलाएंगे जिससे हमारा अस्तर अच्छे से दब जाएगा। इसको इस तरह हम पलटेंगे। देखिए अस्तर नीचे की साइड आ गया और हमारे ब्लाउज का कपड़ा ऊपर की साइड। अब इसको हम सेंटर से मिलाएंगे यहाँ से और इस साइड से। ये एक्स्ट्रा अस्तर को कट कर देंगे। ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स का अस्तर कर लिया है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, दोनों स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे। इस तरह रखने के बाद इसे बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से, बिल्कुल सेंटर को मिलाते हुए, और यहाँ से हम हल्का सा कट लगाएंगे जो हम फ्रंट की साइड में कुछ इस तरह से, ये देखिए इतना कपड़ा हम कट कर देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स जोड़ेंगे। याद रहे ये वाली साइड हमारी फ्रंट वाली साइड में आएगी, जो कट वाली साइड है इस तरह से इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले शोल्डर के जॉइंट से हम, और जो हमारा सेंटर मार्किंग है यहाँ से हम इस तरह रख के पहले से नाप लेंगे कि कितना आ रहा है। ये देखिए इतनी आ रही है मेरी स्लीव्स, इतनी हल्की सी बड़ी है, उसे हम बाद में कट कर देंगे। अब यहीं से हम स्लीव्स को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मेरी स्लीव्स जुड़ी है। आप चाहे तो इस पर डबल सिलाई कर सकते हैं या इस पर ओवरलॉक कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मेरी स्लीव्स इसको जॉइंट होके आई है। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स मैं बहुत इजी वे में आपको समझा रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ब्लाउज कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरा ब्लाउज सिलना बताया है मैंने। इसको भी यहाँ बाजू की गुलाई में 12.5 रखूंगी, 12.5 का हाफ, 12.5 का हाफ रखूंगी। सब अच्छे। अब यहाँ पर हम अपनी मशीन को थोड़ा सा अटका लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का निशान डालेंगे। ये मेरा 38 इंच ब्लाउज है तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। अब फिटिंग लगाने का सबसे बेस्ट आइडिया है, ये हमारी थोड़ी बड़ी हुई पट्टी है तो यहाँ से हम नापेंगे, क्योंकि हाई हम यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ से इस तरह से नापेंगे इसको, और यहाँ तक शोल्डर के नीचे 9.5 इस तरह मेजर करेंगे इसको, और यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल इसको पैड को इस तरह लेके आएंगे और इस निशान के ऊपर, इस निशान को हम ऊपर की ओर उठा लेंगे इस तरह से। अब इसको हम इससे मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हमें अपनी कमर नापनी है। कमर है मेरी 32 इंच, तो बैक वाले पार्ट में पूरा 16 रखेंगे 32 का हाफ, इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये मेरा 16 आ रहा है, यहाँ पे लगाऊंगी एक निशान और एक निशान यहाँ पे लगा लेते हैं 16 इंच, और फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पर 8 इंच पर लगाएंगे, 16 का हाफ 8 होगा, यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम सिलाई डाल देंगे इस तरह। इन दोनों निशानों को इस तरह मिलाएंगे और ऊपर से एक सीधी सिलाई डालेंगे, सिलाई चल गई। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हम इधर साइड भी फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स
मेरी दोनों साइड में फिटिंग लग गई है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब ये फिटिंग मेरी एकदम परफेक्ट लगी है। अब नीचे से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, कुछ इस तरह से। इस पर कच्ची सिलाई डाल देंगे, फिर उसको निकाल के हम यहाँ पर तुरपाई डालते हैं। और इस साइड भी हम दोनों को नाप के बिल्कुल बराबर करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लाउज बनाने का आइडिया? और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। और कोई भी क्वेश्चन है आपका इस ब्लाउज को लेके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं इसकी पिक मेंशन कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।